हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। ये मेरा व्लॉग कल से स्टार्ट है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, तो बस वही। उसके बाद मैं अपना नहा धो लिया था, काम मेरा हो गया था कम्प्लीट। फिर अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है दिन के, तो रक्षित के पापा आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो भाई पराठे बना लो गर्म गर्म। तो बस इसी वजह से मैं पहले वाले व्लॉग में नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरा टाइम आउट हो रहा था और फिर वीडियो भी लंबा हो रहा था। तो मैं आज अब रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर ली थी, बस बना के इस वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ। टाइम है शनिवार का, और पिछले व्लॉग में मैंने गलती से शुक्रवार ही बोल दिया है, तो वो हाफ शुक्रवार का था और हाफ शनिवार का था, बस यही था। तो जी पहली रोटी मैंने बना ली है गाय माता के लिए, और फिर मैं बनाऊंगी पराठे रक्षित के पापा के लिए और अपने लिए। रक्षित को मैंने सुला दिया लगभग 1:30 बजे के आसपास, वो सो जाता है, दिन में डेली का रूटीन है उसका, और फिर उठता है 4 बजे 4:30 बजे के आसपास। तो बस फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया था, और कल हमें जाना भी है, तो फिर मैंने कहा आज से ही व्लॉग की शुरुआत की जाए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जी बस पराठा बना रही हूँ, और रोटी मेरी गौ माता की रोटी बन चुकी है, उसके बाद मैं पराठा बना रही हूँ। आलू मैंने उसमें भर लिया है, मेरा आलू का बैटर है जो काफ़ी ठंडा हो चुका है, और आटे को भी कम से कम रखे हुए लगाए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। और तो क्या रहता है ना कि हम अगर आलू के पराठे का बैटर वगैरह पहले से तैयार करके रख देते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, अगर हम तुरंत बना के रखते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब टाइम भी लगता है और फिर उससे फटे फटे बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पराठे कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल, और अब एक आधा पराठा तो मेरा फूल भी रहा है। अगर पॉसिबल रहा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। तो देखिए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, और मैं ज़्यादातर आलू के पराठा जो है चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ, मुझे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आलू के पराठे, और मेथी के पराठे भी मुझे चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी देखिए ये वाला पराठा मेरा फूलेगा, और रोटियां भी मेरी लगभग फूलती हैं, और तो देखिए फूल गया है, कितना अच्छा क्रिस्पी कुरकुरा कुरकुरा बना है। तो रक्षित के पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई बिल्कुल करकरे करकरे पराठे लेके आओ। तो जी लंच हमारा हो गया था दिन का, और उसके बाद फिर मैं मेरा दूध ले आए थे, क्योंकि आज दूध आया नहीं था घर से किसी कारण से। फिर उसके बाद मैंने दूध की थैली दो ले ली थी, मैंने कहा रक्षित पिएगा तो, और चाय वगैरह के लिए भी चाहिए, फिर मैं दूध ले आई थी। और उसके बाद मैं मतलब निकाल रही हूँ, लोटे में निकाल के रख दूँगी, आज गर्म नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे रक्षित को पिलाना भी है दूध, तो इसीलिए मैंने दूध का पतीला अपने यहाँ पे रख रखा है, गर्म करूँगी मैं इसमें। और ये मेरे सब्जी के जो कंटेनर बॉक्स है ये भी आ चुके हैं, अमेजोन से मंगवाए थे मैंने, तो बस यही। और फिर उसके बाद मैं दूध अपना फ्रिज में रख दूँगी, और बर्तन वगैरह वो हो गए हैं, और ये टमाटर भी मैं अपने कंटेनर में रख दूँगी, और मिर्ची भी। इससे क्या रहेगा ना, फ्रिज में जगह काफ़ी कम हो जाएगी देखिए, क्योंकि जो टोकरी में हम सब्जियां रखते हैं वेजिटेबल रखते हैं, तो टोकरी फ्रिज में हमारा ज़्यादा मतलब जो बास्केट होती है वो ज़्यादा जगह को घेरती है, और ऐसे कंटेनर में काफ़ी सामान आ जाता है और जगह भी थोड़े कम घेरते हैं। तो इतनी सी जगह में देखिए एक के ऊपर एक ये दो रखे जाएंगे, और कंटेनर कितने मतलब कम जगह लेगा और टोकरी ज़्यादा जगह लेगी। तो देखिए मैं आप लोगों को रख के भी दिखाऊँगी। तो ये मेरा फ्रिज का गेट चला गया है फिलहाल, हाथ से छूट गया है। तो जी किचन का काम भी मेरा लगभग हो गया था, रक्षित को दूध वगैरह पिला दिया था, तो मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि मैंने चाय आलू के पराठे के साथ पी ली थी, और उसके बाद फिर हम आ गए थे छत पे, यानी कि मैं आ गई थी फिलहाल, तो यही मैं देख रही हूँ, और पीछे पीछे आ गए थे रक्षित के पापा। तो यहाँ पर मैं उतारने वाली हूँ कम्बल, आज हमने धूप में सुखाए थे कम्बल वगैरह गद्दे वगैरह, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा। और फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ तय, अभी शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 4 बजने वाले होंगे, तो धूप भी जा रही है देखिए। तो फिर मैंने कहा अभी तो ये सीलन ही पकड़ेंगे, तो ऐसे में ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने कहा मैं उतार लाती हूँ। तो पीछे पीछे रक्षित के पापा आ गए थे, क्योंकि गद्दे मुझसे उतरेंगे नहीं ऊपर से, तो यही रीज़न था कि रक्षित के पापा ने गद्दे उतार लिए थे और मैं ये कंबल उतार रही थी। तो बड़े वाला जो कंबल था वो मैं बीच में ही रक्षित के पापा को दे आई थी, तो वो दूसरे वाला कंबल भी उतार के ले जाएंगे साथ के साथ। तो और ये दो मैं अपने यहाँ बाद में ले जाऊँगी, मतलब अब मैं इनको ले जाऊँगी, और हम मेरे सारा ये उतर गए हैं, और फिर जाके नीचे अपना थोड़ा सेटअप करूँगी, क्योंकि गद्दे वगैरह पे चादर वगैरह बिछानी है, बेड थोड़ा सही करना है, कि तो ऐसे रखे रक्षित के पापा चले गए थे अपने बाहर चले गए थे काम पर, तो बस यही था कि मुझे ही ये सेट करने थे। और जो ये गद्दे हैं हमारे ये काफ़ी भारी हैं, तो ये मुझसे अकेले से नहीं होता है, तो रक्षित के पापा ने ऐसे ही रख दिए थे, ना तकिए हटाए थे ना कुछ और। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही एडजस्ट करती हूँ, रक्षित को मैंने उतार दिया है नीचे, तो ये देखिए बड़ी मुश्किल से सेट हो रहा है, मुझसे काफ़ी हैवी हैं।
तो बस कर रही हूँ कोशिश, और उसके बाद मैं इस पे बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि भाई मैं वही वाली बेडशीट बिछा दूँगी, फिर मैंने कहा चलो चेंज कर ही देते हैं, ऐसे ही कल करनी है चेंज, ऐसी ही आज करनी है तो आज ही क्यों ना चेंज कर दे। तो इसलिए मैंने आज ही बेडशीट अपनी चेंज कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर आ चुकी थी वंशिका, तो मैं बिच की क्लिप नहीं ली थी, मैंने चादर वगैरह अपनी चेंज कर ली है, कंबल को भी मैं रख दूँगी, एक बास्केट में रख दूँगी और दूसरा रखे तो वाले कबर्ड में रख दूँगी, और ये जो तीसरा बड़े वाला आज हमने निकाला है तो इसको हम ओढ़ लेंगे, तो इसको मैं बेड पे ही तय बना के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स इसका मुझे कवर भी लेना है फिलहाल, और ये यहाँ पे मैंने जो मेरे धोने वाले कपड़े हैं बेड पे चादर वगैरह ये इकट्ठा कर ली है यहाँ पे, तो बस इनको धो लूँगी कल। तो जी बस, और कर रही हूँ इसको साथ के साथ, पर ये मैं यहाँ पे कंबल रखती नहीं हूँ क्योंकि ना रक्षित को, रक्षित गिरा देता है कंबलों को, नीचे फैला देता है, तो बस यही रीज़न रहता है मेरा कि मैं इसको ना रखूँ। तो ये कुछ कपड़े थे मतलब जो इनके स्टिकर वगैरह मुझे निकालने, तो जी इनके स्टिकर वगैरह मैं साथ के साथ अपने निकाल दूंगी, क्योंकि फिर अभी मेरे को झाड़ू भी निकालना है तो बाद में भी कूड़ा फैलेगा, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा अभी निकाल देती हूँ। तो ये धोने के कपड़े थे, मैं इनको ले जाके मशीन में रख दूंगी, हो सकेगा तो कल सुबह मैं ट्राई करूँगी, अगर टाइम निकलेगा तो कल सुबह मैं मशीन लगा दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कल। तो जी मेरा सूट हो गया है रेडी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल रही थी कि मैं सिलने वाली हूँ, तो ये आज सिला है, तो कुछ ऐसा लुक है इस सूट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है पूरे सूट में खुद ही, और तो उसके बाद देखिए मैं आपसे किचन टिप्स कुछ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि कैसे आप लोग अपने किचन के काम है जो उनको कैसे आसान कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा अपने लिए इजी कर सकते हैं। तो जी देखिए मैं यहाँ पे अपनी जो सब्जियाँ हैं वो पहले से ही काट के रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए, तो ये आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये रहता है कि जैसे कोई चीज़ है, हम कोई सब्जी लाते हैं तो उसको साथ के साथ आप लोग उसको अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी आप लोगों को रखनी है वहाँ पे रख दीजिए। कोई भी बर्तन, जैसे आप लोग होता है काफ़ी लोग को ऐसा सोचते हैं सुबह से शाम तक के बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में धोएंगे, तो उसमें क्या रहता है आप ही के ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे ही आपने चाय पी है चाय के बर्तन धो लो, और जैसे ही आपने खाना खाया खाना खाने के धो लो, तो ये रहता है कि अपना काम साथ के साथ हो जाता है। जैसे कि मैं अपने अभी मेरे घर पर संतरे आए थे तो मैंने ये टोकरी में निकाल के फ्रिज में रख दिए हैं, तो ये थोड़ा सही रहेगा। और सब्जी जैसे कि मैं अभी बनाने जा रही हूँ तो मैंने एकदम से पूछा, रक्षित के पापा ने बोला क्या क्या सब्जी है, मैंने उनको बता दिया ये सब्जी है, तो उन्होंने बोला मुझे गाजर मटर की खाली सब्जी खानी है, तो बस मैं वही बनाने की तैयारी कर दी मैंने, तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा और मेरे लिए भी ईजी हो गया, और उनको भी थोड़ा ठीक ठाक लगा कि भाई घर में ये चीज़ है तो फटाफट बन जाएगी। तो एक हाउस वाइफ के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आप अपने किचन को अपने हिसाब से थोड़ा सा, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी लेडीज़ हद से ज़्यादा बिजी रहे, उसको कभी ना कभी टाइम ज़रूर मिलता है, या तो वो सुबह के टाइम फ्री रहेगी जब मतलब 9-10 बजे के बाद जब बच्चे या हस्बैंड ऑफिस चले जाते होंगे, या फिर दोपहर में फ्री रहती होगी, कभी ना कभी तो रहती होगी। मैं खुद ही अपने हिसाब से बताती हूँ, मुझे टाइम 12 बजे से 3 बजे तक बीच में मिलता है, उसके बाद मेरे को कोई टाइम नहीं मिलता है, और सुबह से 12 बजे से पहले मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं किचन के जो होते हैं, मैं वो बाद में शेयर मतलब बाद में अपना करती हूँ, जैसे कि 19-20 अगर मुझे होता है कि भाई आज मुझे कुछ ज़्यादा ही सब्जियाँ छाटनी है या फिर कुछ और अलग करना है, तो वो मैं जैसे दिन में जो तो 2-3 घंटे मुझे मिलते हैं तो उसमें मैं कर लेती हूँ। और देखिए मैं YouTube का काम भी करती हूँ इसमें अपना, तो देखिए मैं किस तरीके से अपना शेड्यूल लेके चलती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप अपना शेड्यूल किस हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बातों बातों में बन गई है मेरी सब्जी भी, तो मैं इसको हल्का सा तेज़ गैस पर चलाऊँगी और हल्के से फिर इसको रख दूँगी मंदी गैस पर। तो ज़्यादातर सब्जियाँ मेरे घर पर खुले उसमें ही बनती हैं। तो अब देखिए मैंने सुबह पराठे बनाए थे और अब मैंने कटोरी में ही ऑयल रखा हुआ है, और अगर मैं इसको नहीं डालूँगी तो ये बिखर जाएगा, तो ये भी मेरी गलती है। तो जी सब्जी मेरी रेडी हो गई है, उसके बाद मैं अब इसको दूसरी वाली गैस पे ट्रांसफर कर दूंगी और इधर बना लूंगी साथ के साथ अपनी रोटियां। तो ये खाना मैं बना रही हूँ अपना शाम का, तो रक्षित के पापा की फरमाइश थी कि वो गाजर मटर की सब्ज़ी खाएंगे, तो बस वही बनाई है और सिर्फ मैं उन्हीं के लिए ही रोटी बनाऊंगी। और मैं अभी मेरा कुछ खाने का रोटी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो जो सुबह मैंने दोपहर में जो आलू के पराठे बनाए थे उसका बैटर बचा हुआ है, तो उससे मैं बनाऊँगी अपने लिए एक सैंडविच फ़िलहाल।
तो ऐसे में क्या रहता है ना, अपना जो मतलब बचा कुछ सामान हो जाता है सुबह का, वो ख़त्म भी हो जाता है और वेस्ट भी नहीं जाता। और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सैंडविच, तो बस यही बनाऊंगी। और रोटी मैं रक्षित के पापा के लिए और एक रक्षित के लिए ही बनाऊंगी खाली, बस तो बस वही बना रही हूँ, बन रही है साथ के साथ, और सब्जी भी मेरी। तो दूध वगैरह मैंने आज गर्म करना नहीं था, लगभग सब्जी मेरी बन गई है तो मैंने उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और एक सैंडविच। तो साथ के साथ देखिए कैसे मैं अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, जहाँ से कोई चीज़ भी उठाती हूँ मैं वहीं रखती रहती हूँ। इससे हमारे मतलब जो काम होते हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं किचन के। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि भाई कोई चीज़ आपने उठाई है, यानी कि कोई नमक का डिब्बा उठाया है, आपने नमक को यूज़ किया और वापस उसको वहीं रख दिया। आपने कोई मच ली है, यानी कि अगर यूज़ हुई है तो आप उसको झूठे में डाल सकते हैं, ये नहीं कि आपने यहीं पे यूज़ किया और यहीं पे साइड में रख दी, तो उस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय मैंने बना ली और मग्गे में यानी कि अपने कप में डाल ली है, उसके बाद मैं उस पतीले को गैस पे ही छोड़ दूंगी तो काफ़ी फैला फैला लगेगा, फिर वो मुझे बाद में हटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं तुरंत अपना चाय में मतलब कप में अपनी चाय डाल के और पतीले को सीधा गैस उसमें रख दूंगी सिंक में। तो जी बस चाय नाश्ता, मेरा चाय नाश्ता बोल रही हूँ, चाय और सैंडविच मैंने खा लिए थे अपने। उसके बाद मैं अपना सूट ये थोड़ा सा धो रही थी, क्योंकि इन्हें काफ़ी दिनों में सिला है तो इस पर रखे रखे ही मिट्टी जम गई थी, तो बस मैं इसको थोड़ा सा धो रही हूँ ताकि ये सुबह तक सूख जाएगा। और यही मैं देख रही थी कि ये कढ़ाई जो मैंने करवाई है इसमें, तो इसमें काफ़ी मतलब इसका कलर तो नहीं जा रहा क्या, तो इतना इसमें कलर नहीं निकला है, बस फर्स्ट टाइम के हिसाब से हल्का फुल्का निकला है। तो आप लोग सोच ही रहोगे कि भाई मैं नए सूट पर ही ब्रश मार रही हूँ तो ये ना रखे बिल्कुल काला हो गया है, जैसे आधा काला आधा वैसे, तो बस इसी वजह से मुझे ब्रश यहाँ पे लगाना पड़ रहा है और मशीन मैंने लगाई नहीं है, तो उसी वजह से हाथ से ही मैं इसको धो रही हूँ। और सूखा मैं मशीन में लूँगी जो कि ये सुबह तक सूख जाएगा, कल पहनेंगे तो कल पहन लेंगे, वरना फिर परसों दोपहर में जैसे कि पहन लेंगे, क्योंकि अब 3-4 तो चाहिए होंगे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पहनने के लिए, तो फिर बस वही तो देखते हैं। कुछ ना कुछ तो देखो मिल ही जाता है, पर ये रहता है कि अपना नया डाल लो तो थोड़ा मन खुश हो जाता है कि हाँ भाई हमने भी कुछ स्पेशल। तो यहाँ पर मैं धोके देख रही हूँ कि ये जो निशान है वो गया कि नहीं गया, तो लगभग चला गया है, बस ये धुल गया है, तो जी बस धुल गया है। उसके बाद मैं इसको निचोड़ लूँगी और डाल दूँगी। तो मैंने साथ के साथ अपने इसमें झाड़ू लगा दी है, तो मैं अपना सारा काम ऐसे ही करती हूँ, साथ के साथ मैं अपना सारा काम लेके चलती हूँ ताकि मुझे कोई भी फिर बाद में फैला हुआ ना लगे। तो बस यहाँ पे मैं इसको मशीन में डाल रही हूँ, सुखा दूँगी। देखिए मेरे मशीन में भी कपड़े हैं पर मैंने नए लगाए हैं आज, तो ये सूख गया है। मैंने यहाँ पे चेक कर रही थी इसको कि पूरा राउंड देना ज़रूरी है ड्रायर का या फिर ये सूख गया है, तो ये सूख गया था बस। फिर मैंने मशीन का तार हटा दिया है और मैं इसको मशीन पे ही सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर वाले रूम में नहीं सुखाऊँगी ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर से भी थोड़ा सा जाल खुला है तो हो सकता है कि थोड़ी हवा के कारण ये सूख जाए, तो बस यही था। तो पहले मैंने टॉवल डाल दिया और ये इतना गीला है नहीं, सूख जाएगा सुबह तक, और वैसे भी हमें सुबह इतनी जल्दी नहीं जाना है, कम से कम 10-10:30 बजे के आसपास जाना है, तब तक प्रेस वगैरह मैं कर लूँगी और इस पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जी खाना वगैरह खा लिया था हमने और फिर तो मैं बर्तन धोने लग गई थी अपने, अभी यही रात के ही हैं। तो जी और कल का आज का व्लॉग मैंने मतलब आज शनिवार को ही इसलिए शूट कर लिया है अपना व्लॉग, क्योंकि मैं कल व्लॉग मतलब शादी का ही वहीं चले जाऊंगी तो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाती मैं कल का, क्योंकि काम मुझ ज़्यादा कुछ होता नहीं घर में, तो बस उसी कारण मैंने अभी व्लॉग बनाने के लिए सोचा है। तो जी देखिए किचन टिप्स यही रहते हैं कि भाई आप अपने बर्तन जूठे ना छोड़े, साथ के साथ करते रहें, और कोई भी काम है आपका तो तुरंत कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि भाई सब्जी काटना हो गया या फिर अपने बर्तन है धुल गए सूखा दो और उसके मतलब सूख जाएंगे तो उसके बाद इनको लगा दो अपनी अपनी जगह पे, जैसे कूड़ा है हमें किचन में कभी नहीं रखना चाहिए है तो तुरंत हम उसमें डस्टबिन में डाल दें, जैसे कि ये जो निकलता है अगर हम इसको यहीं रख देंगे तो मच्छर मक्खी ज़्यादा होंगे और यही फिर कूड़ा ही फैलता है। देखिए बच्चे होते हैं घर में तो अपना थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश करिए। तो आज का व्लॉग इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए कॉन्टेंट के साथ और एक नए ब्लॉग में।